कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उसका नाम संजय शुक्ला है, जो पूरे क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा है। इनके पिताजी पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है, इनके पिताजी पे अल्पसंख्यकों के घर जलाने का आरोप है। पूरे पश्चिम क्षेत्र की जनता जानती है कि यदि इस तरह के गुंडे चुनाव जीत गए तो हमारा पूरा व्यापारिक क्षेत्र इन गुंडों के कब्जे में आ जाएगा, हमारी माता बहनों की सुरक्षा खतरे में हो जाएगी और पूरे इंदौर को ये गुंडे बंधक बना लेंगे। सावेर रोड से बाणगंगा तक के जो लोग हमारे साथ में वो बताते हैं कि इन लोगों का इतना आतंक है कि इनकी अनुमति के बगैर कोई आदमी इनकी बस के बगैर दूसरी बस में भी नहीं बैठ सकता है। तो आज जो मेरी लड़ाई है वो इन गुंडों के खिलाफ है, जिन गुंडों ने समाज को डर के जीने से मजबूर किया है, उन गुंडों के खिलाफ मैं खुल के लड़ूंगा। मेरे को 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर है, मेरे को पद देने का ऑफर है, लेकिन मेरे को इसका लालच नहीं है। मेरे को लालच है मेरे क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रखने का, मेरी माता बहनों को सुरक्षित रखने का, मेरे व्यापारी साथियों को सुरक्षित रखना और पूरे क्षेत्र को शांत रखने का और क्षेत्र में विकास करने का। इसलिए इस गुंडे के खिलाफ मैं खुल के लड़ूंगा। मेरे को ये भी मालूम है कि मेरे और मेरे साथियों की जान पे भी खतरा हो सकता है, ये गुंडे उन पे हमला भी करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो मेरे साथी हैं उन सबको भी मैं आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप में से किसी की तरफ किसी ने एक उंगली उठाई तो उसकी उंगली ने उसको खुद को मैं साफ कर दूंगा। इसलिए अपन निर्भय होकर लड़ेंगे मैदान में, इन गुंडों के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ व्यापारियों का समर्थन है, माता बहनों का समर्थन है और कांग्रेस पार्टी से हम अभी भी कहते हैं कि कम से कम इन गुंडों से दूर रहो और इन गुंडों की उम्मीदवारी को समाप्त करो।